जो निकाह होता है उसमें विटनेस लिया जाता है, तो जी वो क्यों विटनेस क्यों लेते हैं उसके अंदर गवाही? हाँ जी बिल्कुल। सवाल भाई का ये है कि जब निकाह किया जाता है तो उसमें विटनेस क्यों लिया जाता है, गवाह क्यों रखा जाता है। सबसे पहली वजह तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलनू बिन निकाह, जब निकाह करो तो उसका ऐलान करो, अलल ऐलान करो। इसी तरह से निकाहे सिर से यानी पोशीदा और खुफिया निकाह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। निकाह अलल ऐलान होना चाहिए। और ऐलान का एक तरीका यह भी है कि जब आपका निकाह हो तो वहां गवाह मौजूद रहे उसके, एक तरीका यह है। ऐलान का एक तरीका यह भी है कि आपका जब निकाह हुआ तो निकाह की मजलिस में तो गवाह मौजूद नहीं है, लेकिन आपने निकल के सबको बता दिया कि मेरी शादी हो गई है, या कुछ भी ऐसा किया जिससे ऐलान हो गया तो सारे लोग गवाह हो गए। आपने जो बोला उस बात के सब गवाह हो गए कि इन्होंने कहा है कि मेरी शादी हो गई। तो एक वजह तो यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म दिया। उसकी हिकमत क्या है? उसकी हिकमत यह है कि निकाह होने के बाद कई सारे ऐसे अहकाम हैं, निकाह के बाद कई सारे आसार और अहकाम ऐसे हैं कि अगर आप उस निकाह पर गवाह ना रखें, उसका ऐलान ना करें, उसको चुपके से करें, तो आपको कई सारी परेशानियां आने वाली हैं। जैसे आपको लोग जानते हैं कि आप गैर शादीशुदा हैं, कल को आप एक औरत का हाथ पकड़ करके बाजार में निकलेंगे जो कि आपकी बीवी है, अब लोगों को तो पता नहीं है, लोग तो जानते हैं कि आप अभी कंवारे हैं, आप किसी और लड़की का हाथ पकड़ के जा रहे हैं जिससे कि आपने निकाह कर लिया है, आप बताइए आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि भाई ये तो कंवारा है, किस औरत का हाथ पकड़ के जा रहा है। दूसरी बात, कल को आपके घर में बच्चा पैदा होगा, किसी को पता ही नहीं है कि आपकी शादी हो गई है, आप कहीं बाहर रहते हैं, वहां से बच्चा लेकर के आए डायरेक्ट, आप कैसे साबित करोगे कि मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है? या अगर आपने निकाह को पोशीदा रखा, मान लीजिए आपका बच्चा हुआ, आपकी मान लीजिए वफात हो गई कल को, ला कद्दर अल्लाह, आपका बच्चा कैसे साबित करेगा कि ये मेरा बाप है? आपकी बीवी कैसे साबित करेगी कि ये मेरा शौहर था? आपकी बीवी मीरास कैसे पाएगी? आपका बच्चा मीरास कैसे पाएगा? तो एक नहीं, दसियों बीसियों परेशानियां आपको आने वाली हैं। ये सब हिकमत है कि निकाह को ऐलान करके किया जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जेना और निकाह के दरमियान फर्क क्या है, कि जेना चुपके किया जाता है, निकाह अलल ऐलान किया जाता है।